एंड वेलकम गाइस आज के ब्लॉग में। और आज हम हैं ग्रेनेडा में और शिप डॉक किया हुआ है टर्मिनल पे। देख सकते हैं आउटसाइड व्यू ग्रेनेडा, काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे। और ये गेस्ट बाहर जाते हुए, ये प्राइवेट यार्ट इन्होंने बुक किया है, कैरिबियन यार्ट ये टूर पे लेके जाता हुआ इनको। आउटसाइड का जो व्यू है काफ़ी सुंदर है। वो सामने चर्च दिख रहा है, पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। मैक्सिमम कैरिबियन पोर्ट्स पे पानी बहुत क्लियर है यहाँ पे, एकदम ब्लू कलर का। ये आइलैंड के चारों ओर समुंदर है, बीच में ये आइलैंड है ग्रेनेडा। देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है, समुंदर के बीच में ये एक छोटा सा टापू। और ये टर्मिनल का मेन गेट है, इस पर लिखा है वेलकम टू ग्रेनेडा। और ये अपने शिप का व्यू, तो अभी सभी लोग जो यार्ड पे बैठ चुके हैं। अभी ये यार्ड थोड़ी देर में निकल जाएगा यहाँ से दूर के लिए। देख सकते हैं सब गेस्ट बैठे हुए हैं। इन लोगों का यहाँ पे मेन बिज़नेस यही है, यहाँ पे टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा है। छोटे छोटे यार्ड्स, सब मैरिन्स होते हैं जिन पे ये अंडर वाटर लेकर भी जाते हैं कुछ जो यहाँ की स्पीशीज़ हैं, फिशेज और बहुत सारे जो भी समुद्री जीव है वो दिखाते हैं तरह तरह के। क्योंकि ये देख सकते हैं दूर का व्यू, एकदम बहुत ही बढ़िया ग्रीनरी है बाहर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जा नहीं सकते, सिर्फ टर्मिनल तक अलाउड है कोविड के चलते हुए। जितना करीब से हो सके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जूम करके भी। तो गाइस यहाँ पे दिखाने के लिए कुछ था नहीं क्योंकि बाहर जाने का तो मिल रहा नहीं है। बाहर जाने को मिल रहा होता तो फिर बहुत कुछ दिखाता मैं। कैरेबियन बहुत अच्छी जगह है, वेस्ट इंडीज़ के अंडर आता है ये। और इस व्लॉग को करता हूँ अभी एंड क्योंकि ज़्यादा दिखाने को कुछ है नहीं यहाँ पे। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।